गुरुदेव और माँ गायत्री की चरणों में कुटी कुटी नमन, आप सभी को प्रणाम। देव संस्कृति की अधिष्ठात्री माँ गायत्री, आप तो पुरुषों ने ये नियम बनाया था कि देव संस्कृति का प्रत्येक अनुयायी अपनी जीवनचर्या में गायत्री तत्व दर्शन और साधना विधान का समावेश रखे, इसे किसी भी स्थिति में अलग ना होने दे। माता से विलग होकर बालक घाटा ही घाटा उठाता है। पोषण, विकास, दुलार, संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण प्रयोजनों में माता से बढ़कर और कोई सहायता नहीं देता। जिस व्यक्ति को भी माता का दूध, माता का दुलार और सहयोग, संरक्षण नहीं मिलता, उस बालक में अनेक तरह की बुराइयां पैदा हो जाती हैं। मणिहीन सर्प की दुर्गति होती है। इसीलिए कोई भारतीय धर्म अनुयायी गायत्री का विस्मरण परित्याग न करने पाए, इसका देव परंपरा में कठोर निर्धारण किया गया है। शिखा गायत्री का स्वरूप है, उसे बालों की प्रतिमा के रूप में बनाया और सर्वोच्च शिखर शीर्ष स्थान पर बिठाया गया है। इसे विवेकशीलता का, सदा शयता का ध्वजारोहण कहना चाहिए। विचार शक्ति सर्वोपरि है, उससे अलग होकर उसके विकृत हो जाने पर मद में चूर हाथी जैसे उत्पन्न करता है अनर्थ, उसी तरह से यदि हमारे विचार विकृत हो जाएं तो अनर्थ करने लगते हैं। हाथी के कंधे पर फीलबान और कान अंकुश का अनुशासन रहता है, मानवीय विचारों पर आदर्शवादिता का, गायत्री का अनुशासन स्थापित रहे। शिखा स्थापन का तत्व ज्ञान यही है। भारतीय परंपरा के नर नारी उसकी स्थापना भावना पूर्वक करते हैं। मुंडन संस्कार वस्तुतः शिखा स्थापन संस्कार ही है। उस परंपरा को गायत्री के मानवीकरण की सर्वोच्च शिखर पर की गई प्राण प्रतिष्ठा ही समझ जाना चाहिए। शिखा के बाद भारतीय संस्कृति का दूसरा प्रतीक है यज्ञोपवीत। वो शुद्ध रूप से गायत्री तत्वज्ञान का ही प्रतीक प्रतिनिधि है। गायत्री में 9 शब्द, 3 चरण, 3 व्याहति, 1 ओमकार है। इन्हीं 4 तथ्यों को यज्ञोपवीत में 9 सूत्र, 3 लणे, 3 ग्रंथियां एवं ब्रह्म ग्रंथि के रूप में प्रतिनिधित्व दिया गया है। यज्ञोपवीत को कंधे पर, हृदय पर, कलेजे पर, पीठ पर घुमाकर एक प्रकार से मानवीय काया के महत्वपूर्ण अंग अवयवों को जकड़ दिया जाता है। कंधे को उत्तरदायित्व का, हृदय को भावना का, कलेजे को पुरुषार्थ का और पीठ को कर्मठता का प्रतीक माना गया है। उन चारों पर गायत्री के प्रतिनिधि यज्ञोपवीत का बंधन, नियंत्रण, अनुशासन बना रहे, ये है यज्ञोपवीत धारण का तात्विक प्रयोजन। भारतीय धर्म संस्कारों में विद्या आरंभ को महत्वपूर्ण संस्कार माना गया है। उस अवसर पर उपनयन होता है और गुरुकुल की शिक्षा आरंभ करते समय गुरु मंत्र के रूप में गायत्री मंत्र दिया जाता है। शिक्षा एवं विद्या की अधिष्ठात्री आदि शक्ति गायत्री को प्राथमिकता मिले, इस दृष्टि से गायत्री को हर शिक्षार्थी अनिवार्य रूप से अपनी पाठ्य विधि में समाविष्ट रखता था। विद्या गुरु शिष्य के समन्वय से चलती है। गुरु सर्वप्रथम जो सीखता है उसे गुरु मंत्र कहते हैं। भारतीय धर्म में गुरु मंत्र की संज्ञा मात्र गायत्री मंत्र को ही मिली है। उपासना के अन्य मंत्रों को देव मंत्र, साधन मंत्र अथवा गुरु जी का मंत्र तो कहा जा सकता है, पर गुरु मंत्र नहीं। सभी धर्मों में एक ही गुरु मंत्र होता है। मुसलमानों में कलमा, ईसाइयों में बपतिस्मा, जैनियों में नमोकार, बौद्धों में त्रिधा गच्छामी जैसे निर्धारण मंत्र हैं। भारतीय धर्म का भी एक अनादि गुरु मंत्र है गायत्री मंत्र। अन्य मंत्र की उपासना में बंधन नहीं है, पर प्रत्येक उपासना प्रेमी को गायत्री का तो अपनी साधना में समावेश किए ही रहना चाहिए। भारतीय उपासना पद्धति को संध्या कहते हैं। संध्या वंदन
प्रातः साय दिन रात की संधि वेला में होता है। उस विधान में गायत्री अनिवार्य है। किसी को मनमानी करनी हो तो बात दूसरी है, अन्यथा शास्त्र परंपरा के अनुसार संध्या उपासना करनी हो तो उसे गायत्री के बिना नहीं किया जा सकता। अन्य विधान विदित ना हो तो संध्या उपासना मात्र गायत्री जाप के रूप में भी की जा सकती है। गायत्री उपासना को धार्मिक नित्य कर्म का एक अनिवार्य अंग माना गया है और उसकी अवहेलना करने पर पाप लगने, पतित होने जैसा भय दिखाकर अवज्ञा का प्रायश्चित करने का नियम बनाया गया है। उस आर्ष परंपरा का ध्यान रखते हुए प्रत्येक भारतीय संस्कृति के अनुयायी को दैनिक जीवन में उसे किसी ना किसी रूप में स्थान जरूर देना चाहिए, भले ही वो न्यूनतम क्यों ना हो। जिनको भी गायत्री उपासना में रुचि हो वे गायत्री महाविज्ञान ग्रंथ अवश्य पढ़ें, किंतु जिन्हें व्यस्तता है वे भी इतना तो कर ही सकते हैं कि कम से कम 24 गायत्री मंत्र एक नियत समय पर जप लिया करें। प्रातः उठते समय, रात्रि को सोते समय, भोजन से पूर्व, सूर्योदय के समय, स्नान के बाद, जैसा कोई भी समय अपनी सुविधा के अनुसार निश्चित करके उपयुक्त जप संख्या पूरी की जा सकती है। विधान मालूम ना हो तो इतना भर कर लेने से काम चल जाता है। घुटने मोड़कर, पालथी मारकर, कमर सीधी रखें, आंखें बंद करें, हाथ गोदी में रखें, 3 बार लंबी सांसें खींचें और निकालें। इसके बाद मुंह होंठ बंद करके मन ही मन गायत्री मंत्र का जप आरंभ करें। संख्या उंगली के पोरों पर गिनती रहें। जप के साथ प्रातःकालीन स्वर्णिम सूर्य का, गायत्री के प्राण सविता का ध्यान करें और भावना करें कि उनका दिव्य प्रकाश अपने शरीर में प्रवेश कर रहा है। काया को सत्कर्म, बुद्धि को सद्ज्ञान और अंतःकरण को सद्भाव देकर ऊंचा उठाने, आगे बढ़ाने की प्रखर प्रेरणा प्रदान कर रहा है। ये न्यूनतम साधना विधान है जिसे बिना किसी स्थान के भी किया जा सकता है। इससे अधिक करना हो तो घर पर गायत्री माता के चित्र की प्रतिष्ठा सुसज्जित चौकी पर करनी चाहिए और घर के हर सदस्य को इसके प्रातःकालीन नमन वंदन की आदत डालनी चाहिए। वेदी पर अगरबत्ती, पुष्प, अक्षत, रोली, चंदन, नैवेद्य, आरती, अर्घदान जैसे उपचारों के सहारे सारी पूजा प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए। जिन्हें अवकाश हो, उत्साह हो, वे पास के गायत्री उपासकों एवं पुस्तिकाओं के सहारे इस संदर्भ में विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। गायत्री मंत्र लेखन, गायत्री चालीसा पाठ विधिवत 1 या 5 माला का व्रत पालन, 9 दिन के नवरात्रि अनुष्ठान जैसे छोटे बड़े कितने ही विधि विधान हैं जिन्हें जिज्ञासु आसानी से पूछ करके तलाश कर सकते हैं। आजकल तो YouTube पर ढेरों वीडियो उपलब्ध हैं और अपनी रुचि, आवश्यकता और परिस्थिति के अनुरूप आप निर्धारण